नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, बिजली बिल जमा नहीं किया तो रविवार को भी करा सकते हैं, खुला रहेगा कलेक्शन सेंटर। जी हां, अगर आपका बिजली बिल जमा नहीं हो पाया है या फिर कोई और समस्या है तो इस रविवार आप ये काम निपटा सकते हैं। 29 नवंबर को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सभी कलेक्शन सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां बिजली संबंधी हर तरह की समस्या का समाधान होगा। यहां राजस्व पदाधिकारी को तैनात किया जाएगा। त्योहार के सीजन में इस बार अधिकतर लोग बिजली बिल से जुड़े काम नहीं कर पाए, इसलिए छुट्टी के दिन उनके लिए राहत की खबर है। बड़ी खबर, लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब 11 दिसंबर को सुनवाई। राबड़ी बोली, अदालत का जो फैसला आएगा वह मंजूर होगा। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का इंतजार और बढ़ गया है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अब 11 दिसंबर तक टल दी गई है। इसमें कपिल सिब्बल दिल्ली से और झारखंड से प्रभात कुमार लालू प्रसाद यादव के पक्ष में वर्चुअली बहस कर रहे थे। यह सुनवाई दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में होनी थी। इस मामले में लालू प्रसाद को जमानत हो जाती तो वे जेल से बाहर आ जाते। चारा घोटाले के 4 मामलों में से 3 मामले में जमानत लालू प्रसाद यादव को मिल चुकी है। लालू प्रसाद मामले में रांची हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उम्मीदें थी, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले राबड़ी देवी ने लालू की जमानत पर कहा कि अदालत का जो फैसला आएगा मंजूर होगा। वहीं भाई वीरेंद्र ने कहा कि एनडीए साजिश कर रहा है, एनडीए नहीं चाहता है कि लालू प्रसाद जेल से बाहर आए। अगली बड़ी खबर, इस बार नहीं लगेगा पटना पुस्तक मेला, 35 वर्षों से हो रहा था आयोजन। जी हां, बिहार का लोकप्रिय सांस्कृतिक महोत्सव पटना पुस्तक मेला इस बार कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है। 35 वर्षों से लगने वाले पटना पुस्तक मेले का पूरे बिहार के लोग साल भर इंतजार करते हैं। दिल से जुड़े बिहार को इस बार मायूस होना पड़ेगा। आपको बता दें कि पूरे देश में यह माना जाता है कि बिहार के लोग खूब पढ़ते हैं, साहित्य की किताब सबसे अधिक बिहार में पढ़ी जाती है। इसीलिए 1985 से छोटे शक्ल में शुरू हुआ पटना पुस्तक मेला की ख्याति पूरे देश में हो गई। वहां देश विदेश के सैकड़ों बड़े छोटे प्रकाशक आते रहे हैं। पटना पुस्तक मेला ने खूब पढ़ता है बिहार की परंपरा को आगे बढ़ाकर, खूब लिखता भी है बिहार की संस्कृति का विस्तार करने में शानदार भूमिका अदा की है। बिहार को केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात, राज्य में 44 सड़कों को मिली मंजूरी। जी हां, केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री की ओर से घोषित बिहार पैकेज और केंद्र की योजना भारतमाला परियोजना के तहत बिहार के लिए जिन जिन सड़कों की घोषणा हुई थी उन सब पर सहमति केंद्र सरकार ने दे दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से इसकी विविधत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले केंद्र सरकार ने इन परियोजना की वित्तीय मंजूरी दे चुकी है। हालांकि जिन 44 सड़क और पुल परियोजना की अधिसूचना जारी हुई है उसमें कई का डीपीआर बना रहा है तो कुछ का टेंडर अवार्ड भी हो चुका है। टेंडर का निपटारा होते ही उस पर काम शुरू हो जाएगा, जबकि कुछ ऐसे भी सड़कें हैं जिसकी डीपीआर बनाई जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विपक्ष द्वारा जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर राजद कांग्रेस भाकपा माले के विधायक ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू हुआ। पूर्व मंत्री श्रवण कुमार ने सत्ता पक्ष की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इसी बीच कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष नारेबाजी करते हुए बेल में उतर पड़े। विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह पर विपक्षों के सदस्य अपने अपने सीटों पर लौटे। इससे पहले गुरुवार को राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के विरुद्ध राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस है। राज्य सरकार द्वारा समावेशी विकास की रणनीति अपनाई गई है।
अगली बड़ी खबर बिहार स्टेट रिजल्ट को लेकर है। जी हां, ऑनलाइन एसटीईटी रिजल्ट पर फिर लगा ग्रहण। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को। पटना हाईकोर्ट ने अगले आदेश ऑनलाइन एसटीईटी के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य विद्यालय परीक्षा समिति को कानून तथा तथात्मक पहलुओं पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। आदित्य प्रकाश एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर न्यायमूर्ति हसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कर यह आदेश जारी किया है। इसके पूर्व आवेदक के वकील ने कोर्ट को बताया कि एसटीईटी ऑनलाइन लिया गया, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी प्रकार का सिलेबस जारी नहीं किया गया, जबकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित कर दिया था और राज्य सरकार ने ऑनलाइन परीक्षा को मंजूरी भी दे दी थी। उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा सहित ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की है। बड़ी खबर, राज्यसभा जाएंगे सुशील मोदी, बीजेपी ने उपचुनाव में बनाया उम्मीदवार। बिहार से राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को चुन लिया है। बीजेपी ने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। पार्टी ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि रामविलास पासवान के निधन के कारण बिहार से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी। हालांकि ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से में जानी चाहिए थी, लेकिन बिहार चुनाव में लोजपा के रोल को देखते हुए इसकी गुंजाइश नहीं रह गई थी, लिहाजा बीजेपी ने इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार दिया है। वैसे भी 2019 में रामविलास पासवान को ये सीट बीजेपी ने अपने हिस्से से दी थी, तब रविशंकर प्रसाद के लोकसभा सांसद चुन लिए जाने के कारण ये सीट खाली हुई थी। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 698 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 233,840 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 6,204 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 180 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना से 6 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से कुल मरने वालों का आंकड़ा 1243 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 595 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार के 6 जिलों में कोरोना का हाई अलर्ट। पटना, बेगूसराय, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, सारण और जमुई सबसे अधिक संवेदनशील। जी हां, बिहार के 6 जिले इस समय कोरोना संक्रमण बढ़ा सकते हैं। पटना, बेगूसराय, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, सारण और जमुई सबसे अधिक संवेदनशील जिले हैं, जिससे पूरा बिहार तबाह हो सकता है। यहां तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यह खुलासा स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से हुआ है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में चौकसी बढ़ाई जा रही है। गृह विभाग भी इसी रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार करने में लगा है। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी, अब 31 दिसंबर तक होगा 13 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन। जी हां, बिहार वासियों के लिए भारतीय रेलवे खुशखबरी लेकर आया है। पूर्व मध्य रेलवे जोन ने कोरोना काल के बीच चल रही स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का विस्तार करने का फैसला लिया है। रेलवे ने बिहार के जयनगर, दरभंगा, बरौनी, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और सहरसा से चल रही 13 स्पेशल ट्रेनों को अब 31 दिसंबर तक चलाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि रेलवे ने कोरोना के बीच फेस्टिवल सीजन में 30 नवंबर तक यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए विशेष ट्रेनों का परिचालन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से यात्रियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या 30 नवंबर के बाद इन ट्रेनों का परिचालन बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब ये 31 दिसंबर तक किया जाएगा। आइए जानते हैं उन 13 स्पेशल ट्रेनों के नाम। सबसे पहला बरौनी एर्नाकुलम बरौनी एक्सप्रेस, दूसरा है दरभंगा मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस, रक्सौल लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, चौथा है जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, पांचवा है मुजफ्फरपुर हावड़ा एक्सप्रेस, छठा है दरभंगा अहमदाबाद एक्सप्रेस, सातवा है दरभंगा जालंधर सिटी एक्सप्रेस, आठवा है जयनगर उधना एक्सप्रेस और सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस। इसके अलावा भी 4 और ऐसे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 31 दिसंबर तक किया जाएगा। बड़ी खबर, एसएससी एग्जाम में 8 मुन्ना भाई गिरफ्तार, कैंडिडेट की जगह दे रहे थे टाइपिंग टेस्ट। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की तरफ से गुरुवार को स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया गया था। इस दौरान
8 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। यह सभी कैंडिडेट की जगह खुद बैठकर टाइपिंग टेस्ट दे रहे थे। परीक्षा में फर्जीवाड़ा करते हुए जिन लोगों को पकड़ा गया है उनमें सीआरपीएफ का एक हेड क्लर्क भी शामिल है। हालांकि इस मुन्ना भाई गिरोह का सरगना फिलहाल पकड़ से बाहर है। नालंदा के रहने वाले विवेक कुमार साहू को इस गिरोह का सरगना बताया जा रहा है, जो मुन्ना भाई के जरिए कैंडिडेट को परीक्षा पास करवाता था। दरअसल 2018 में एसएससी की तरफ से हायर सेकेंडरी लेवल के कम्बाइंड रिटेन एग्जाम का आयोजन किया गया था और इसमें पास हुए अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट से गुरुवार को 2 पालियों में लिया गया। इसी दौरान कुल 8 मुन्ना भाई समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगली अपडेट है सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर। संजय लीला भंसाली, एकता कपूर समेत 4 फिल्मी हस्तियों की कोर्ट में लगी हाजिरी। जी हाँ, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की साजिश के आरोप में दर्ज मामले को एडीजे 1 के कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपित फिल्मकार संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कुमार व साजिद नाडियावाला के अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित हुए। भंसाली की ओर से अधिवक्ता सरोज कुमार व शेष तीनों फिल्मकारों की ओर से प्रिय रंजन उर्फ अनु कोर्ट में उपस्थित हुए। भंसाली की ओर से पहली बार अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। पूर्व में अनुपस्थिति को लेकर फिल्मकारों को नोटिस किया गया था। अगली खबर खेल समाचार लेकर है। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी पारी गई बेकार। ऑस्ट्रेलिया ने 66 रन से इंडिया को हराया। जी हाँ, पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 66 रन से हरा दिया है। इस मैच में हार्दिक पांड्या और शिखर धवन की पारी बेकार चली गई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम ने 50 ओवर में 375 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की पारी में कप्तान एरोन फिंच और पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ में शानदार शतक जड़ा है। इस बड़े स्कोर का पीछा करते हुए इंडिया टीम ने 308 पर ही 8 विकेट पर गंवाकर ही सिमट गई। आज की सबसे पहली खबर, बिहार सरकार का आदेश, शादी में बैंड बाजा और डांस पर रोक, विवाह स्थल पर स्कैनिंग जरूरी, सिर्फ 100 लोग मौजूद रहेंगे। जी हां, कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने नए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। बिहार में होने वाली शादियों में सड़क पर बैंड बाजा और डांस पर रोक लगा दिया गया है। विवाह स्थल पर स्टाफ को मिलाकर अधिकतम 100 लोग मौजूद रहेंगे। सब मास्क पहनकर आएंगे और उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी। श्राद्ध में 25 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं हो पाएंगे। बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबह ने आज ये ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सुबह में होने वाले किसी भी शादी में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इसमें वेटर और कुक से लेकर बराती सराती सब शामिल होंगे। शादी में शामिल होने वाले सारे लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा। कोरोना को लेकर बड़ी खबर, पटना समेत कई जिलों में सरकारी निजी दफ्तरों में आधे कर्मचारी आएंगे, गाड़ियों में पैसेंजर पर भी पाबंदी। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर राज्य सरकार ने नए गाइडलाइन जारी कर दिया है। सरकार ने पटना समेत राज्य के कई और जिलों में सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% यानी आधे कर्मचारी को ही कार्यालय आने का फैसला लिया है। सरकार ने कई और पाबंदियां लगा दी है। सरकार ने तय किया है कि जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव की दर 10% से ज्यादा है, उन जिलों में निजी और व्यावसायिक वाहन पर सिर्फ आधे पैसेंजर ही बैठेंगे। पटना में सार्वजनिक बस से लेकर ऑटो में ठूस कर पैसेंजर ढाए जा रहे हैं। इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।